नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। कासगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार जनपद कासगंज में जिला कार्यालय पर कैंप लगाकर सुबह 11 बजे सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व MLC असीम यादव ने की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारम्भ किया गया। सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव एवं अभियान के प्रभारी पूर्व MLC असीम यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए और उन्हें प्रत्येक बूथ पर पहुंचकर अधिक से अधिक सदस्य बनाने की बात कही। वहीं सपा के पूर्व MLC असीम यादव नगर पंचायत अध्यक्ष ज्यादा सुल्तान के आवास बंगले पर पहुंचे, सदस्यता अभियान का शुभारम्भ किया। शुभारम्भ चेयरमैन प्रतिनिधि मुईर अहमद असीम यादव ने भारी संख्या में लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। दोनों कार्यक्रम में भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया और पूरे प्रदेश के हर जिले इसको बहुत तेज हम लोग चलाना चाहते हैं और बूथ स्तर तक जाना चाहते हैं। बराबर में राजधानी में आता रहूँगा और हमारे जो पदाधिकारी हैं और प्रत्याशीगण हैं और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, बड़ी खुशी की बात है कि वो पहले से ही यहाँ लगे हुए हैं। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक्य फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर, बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9422827579456214। राजस्थान के बारा एट्रू सैरगढ़ धुमैन स्थित वन के रक्षक रहकर वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने वाले लेखराज रैवारी ने अपनी सेवा के 60 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उनकी सेवानिवृत्त पर झाड़ौता स्थित देवधाम मंदिर पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कन्नौटिया ढाड़ी के समाज के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर बीते 37 वर्ष से अनवरत सेवा देने वाले श्री लेखराज रैवारी को पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मान से नवाजा। आपको बता दें कि लेखराज रैवारी मात्र 23 वर्ष की आयु में वन रक्षक के रूप में सन 1985 में तैनात हुए थे, जिन्होंने इस जंगल में छोटे जानवरों से लेकर शेर की दहाड़ तक सुनी और उनकी रक्षा की, जिस पर उन्हें कई बार विभागीय तौर पर उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मान भी दिया गया। अपनी सेवा के दौरान आसपास क्षेत्र में व्यवहार कुशलता के परिचायक रहे श्री लेखराज रैवारी की सेवानिवृत्ति पर सिर्फ विभागीय अधिकारियों ने बल्कि सर्व समाज ने उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान से नवाजा। इस अवसर पर DJ साउंड की धुन पर नाचते हुए ऊंट पर बैठकर विदाई जुलूस निकाला गया। वन रक्षक श्री लेखराज रैवारी ने अपनी विदाई में शामिल हुए सभी गणमान्य जन का आभार जताया। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी अंबिकापुर सहडोल ट्रेन नागपुर में स्टॉपेज एवं चिरमिरी अनूप कुमार को मनेंद्रगढ़ स्टेशन में स्टॉपेज देने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी द्वारा समय पर ज्ञापन देकर रेल प्रबंधक द्वारा पश्चपातपूर्ण रवैये के चलते चिरमिरी स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया गया, जिनके पुनः शुरू करने अंबिकापुर सहडोल अंबिकापुर अनूपपुर ट्रेन के स्टॉपेज लेकर DRM बिलासपुर जॉन के नाम ज्ञापन स्टेशन मास्टर चिरमिरी को सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस चिरमिरी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप द्वारा कांग्रेस जनों को लेकर चिरमिरी से चलने वाली ट्रेनों के उचित परिचालन व अंबिकापुर सहडोल अंबिकापुर ट्रेन के रुकने के संबंध में अपने समर्थकों के साथ मांग की। देखिए, हम लोग को लग रहा है कि कोरिया जिले
डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। जनपद बलरामपुर में नवागत जिलाधिकारी आईएएस डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार पहुंचकर डबल लॉक में जरूरी अभिलेखों पर हस्ताक्षर कर कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकता पूर्ण की गई। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत नवागत जिलाधिकारी ने प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में चलाई जा रही भारत सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा तथा विशेष रूप से जन समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण से किया जाएगा। नवागत जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे कानपुर नगर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। यूपी के अयोध्या में बड़ा हादसा, ओवरटेक करने की फिराक में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 6 घायल, 25 श्रद्धालु सवार थे ट्रैक्टर ट्रॉली में। गहनागन मेले से वापस लौट रहे सुल्तानपुर के दहली बाजार इनायत नगर के खड़बड़िया चौराहे के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रैक्टर चालक कर रहा था ओवरटेक। पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर लेकर सारे श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल अयोध्या लाकर उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। 6 श्रद्धालुओं को ज़्यादा चोटें आई हैं जिसको डॉक्टर ने एक्सरे करवाने को कहा है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें पर्चे पर बेड नंबर नहीं दिया था जिससे एक्सरे टेक्नीशियन ने श्रद्धालुओं को वहां से लौटा दिया और कहा कि जाइए रजिस्ट्रेशन नंबर बेड नंबर पर्चे पर लिखवा कर तब मेरे पास आइए। फिर श्रद्धालु डॉक्टर विपिन वर्मा के पास आए। डॉक्टर विपिन वर्मा इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे तभी उनसे श्रद्धालु ने कहा कि डॉक्टर साहब इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और बेड नंबर लिख दीजिए। तभी डॉक्टर विपिन वर्मा ने नेत्र चिकित्सक ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। किस बात को लेके आपकी डॉक्टर की भैंस हो रही? हमारे यहाँ कल एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ गाना गाना आए थे कुछ लोग, किसी को लेकर कल से आए हैं, लेके भर्ती किए हैं लेकिन भर्ती वाला पर्चा नहीं बना, एक्सरे के लिए जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि अभी फाइल बनवाइए, फाइल ही नहीं बना रहे हैं। कल से दौड़ा रहे हैं, रात के करीब 7-8 बजे जहाँ भर्ती हुए, फाइल नहीं बनाए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर से जब आपने बात की क्या कहें? ये बताए हैं कि फाइल बनी, जब फाइल हेरने लगे फाइल ही नहीं मिलते इनकी। तो ये कब से लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं आपके? कल 10 बजे रात से। क्या नाम है आपका? गुरुनाथ यादव, प्रधान पृथ्वी पिछोड़ा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी, पहले आए पहले पाए। संपर्क करें 9918781000।
बलरामपुर में प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बलरामपुर जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। संत कबीर नगर जाते समय जेल मंत्री अचानक बलरामपुर जेल का निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने जेल में बंदी कैदियों से मुलाकात की और व्यवस्थाओं के बारे में जाना। 2 घंटे चले आकस्मिक निरीक्षण में जेल मंत्री ने पाठशाला, सर्किल अस्पताल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जेल मंत्री ने आगामी रक्षाबंधन त्यौहार पर राखी बांधने में बंदियों और उनकी बहनों को किसी तरह की कोई समस्या ना आने पाए विशेष निर्देश दिए। जेल मंत्री ने कैदियों से मुलाकात कर उन्हें जेल अनुशासन लाने, सुधारात्मक व्यवहार करने, सदाचार बरतने की सलाह दी गई। उन्होंने कैदियों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कारागार मंत्री ने 30 वर्ष से कम आयु के कैदियों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के साथ साथ तो उसमें सुधार हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने कारागार में साफ सफाई व्यवस्था, जेल में बागवानी, शुद्धतम पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन व्यवस्था पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवस्थाओं में कमी नहीं आनी चाहिए। बहन शादी योग्य होगी तुम्हारी, तो माँ बाप कहीं जाते होंगे तो ये सोचते होंगे कि मेरी बेटी की शादी कोई तैयार स्वीकार कर। भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, सब सोचिए क्या कर रहे हैं, हम क्या दे के आए अपने माँ, ये सही है गलत है? सही है, एक गलती से। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। यूपी के आगरा में श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लगने वाले कैलाश महादेव मंदिर पर भव्य मेले का शुभारंभ हुआ। कैलाश महादेव मंदिर से लेकर शिकंदरा चौराहे तक मनोहर दृश्य नजर दिखाई दिया। मेले का शुभारंभ कैलाश महादेव की पूजा अर्चना और फीता काटकर श्याम जाजू, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कैलाश महादेव की पूजा अर्चना कर चांदी के मुकुट चढ़ाए। इस सोमवार तक छाई रहेगी रौनक। श्रावण के तीसरे सोमवार को कैलाश महादेव पर लगने वाले इस मेले की रौनक सोमवार शाम तक छाई रहेगी। इस दौरान पुलिस की रूट डायवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं कांवड़ियों के आने का क्रम रविवार रात्रि 12 बजे से शुरू हो जाएगा। रात्रि 12 बजे कैलाश महादेव का रुद्राभिषेक होगा। इस दौरान मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। रुद्राभिषेक के बाद कैलाश महादेव मंदिर के पट भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिए जाएंगे। किस तरह की सुरक्षा? भगवान भोलेनाथ की कृपा से और हमारे आयोजक महंत गौरव गिरी जी के सहयोग से मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं बढ़िया से की गई हैं। हमारी शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। किस तरह की पूजा अर्चना रहेगी? मैं महंत गौरव गिरी कैलाश मंदिर से, आज शाम को 4 बजे कैलाश मेले का शुभारंभ किया गया, जिस दौरान आगरा के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब एवं पूरन डावर साहब, एके सिंह जी एवं रेणुका डंग जी, कई अन्य उद्योगपति उन्हें मंदिर का शुभारंभ किया। उसके साथ साथ मंदिर में पूजा अर्चना की, अभिषेक किया। अभिषेक के बाद महाआरती की गई और उसके दौरान अब 7 बजे महारुद्राभिषेक करने के बाद 8 बजे महाआरती की जाएगी और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।
कैप्टन तारा कुशवाहा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9412282757 9456214 0। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत।